हेलो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है टू शॉर्ट बार मैग्नेट्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स एम ईच दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट एम है ईच आर अरेंज एट एन अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड डी ठीक है लाइट से ये आपके पास एक स्क्वायर है ठीक है ये और स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी है आपको डी दे रखी है अपोजिट कॉर्नर्स पे हमने आपके शॉर्ट बार मैग्नेट्स को प्लेस करा तो एक बार मैग्नेट तो आपकी इधर आ गई ठीक है और एक बार मैग्नेट आपकी इस पॉइंट पर आ गई

वो क्या होगा वो हमसे ये पूछ रहा है एट एनी ए बी सी डी ठीक है अगर और की बात करूं, तो इस बार के लिए सी पॉइंट है वो एक्शल पॉइंट है ठीक है और अगर मैं सेकेंड वाली बार मैग्नेट की बात करूं तो उसके लिए जो सी पॉइंट है वो आपका इक्वेटोरियल पॉइंट है ठीक है तो हम बात करते हैं पहले सी मैग्नेटिक इंडक्शन एट सी ड्यू टू पॉइंट बी डी की वजह से ठीक है तो देखो क्या होगा B1 वन इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई ठीक है आपकी कोई एक्शल का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है टू एम डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में D ठीक है D की क्यूब हो गया और इसकी डायरेक्शन क्या होगी डायरेक्शन भी होगी इसकी C से D सेम डायरेक्शन में जाएगा इधर ही ठीक है अब बात करते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन एट बी इसके लिए इक्विटोरियल पॉइंट का तो इक्विटोरियल पॉइंट के लिए बी टू कितना होता है बी टू इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई एम बाई डी की क्यूब ठीक है कैपिटल एम लिख लेते हैं उसको सॉरी एम बाय डी क्यूब ठीक है और इसकी डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट डायरेक्शन होगी तो ये इस डायरेक्शन में काम करेगा डी से सी अपोजिट डायरेक्शन में जाता है ठीक है तो हमारा नेट कितना बी इज इक्वल टू दोनों अपोजिट डायरेक्शन में डेट इज बी वन माइनस बी टू तो ये कितना हो जाएगा आपका बी वन कितना हुआ म्यू नॉट बाई फोर पाई टू एम बाई डी क्यूब माइनस म्यू नॉट बाई फोर पाई एम बाय डी क्यूब इसको माइनस करा तो आंसर आएगा म्यू नॉट by फोर पाई एम बाई डी क्यूब तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं ऑप्शन ए हालांकि करेक्ट है एक बार बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं ये हो गया टू एम इन करेक्ट एम क्यूब इन करेक्ट यहाँ पे एम बाई डी क्यूब है लेकिन डी के साथ टू का फैक्टर आ रहा है तो ये भी इनकरेक्ट तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए थैंक यू